छत्तीसगढ़ के गंडई में भाजपा द्वारा कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आज बुधवार को समापन दिवस में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष खूबचंद पारख व जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने कार्यकर्ताओं को विस्तृत जानकारी दी। खूबचंद पारख ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है, ये प्रशिक्षण में आपको बताया गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा व कांग्रेस का फर्क यदि आप बताते हो और ये बताते हो कि भाजपा अन्य पार्टी से अलग है, तब ये प्रशिक्षण का महत्व है। इसे ही सीखने के लिए यह प्रशिक्षण रखा गया है। विक्रांत सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के प्रयोग के विषय पर कहा कि 100 करोड़ व्यक्ति फेसबुक का प्रयोग करते हैं, भाजपा के अधिकांश कार्यकर्ता व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं, इसी प्रकार अधिकांश कार्यकर्ता ट्विटर, इंस्टाग्राम, मैसेंजर का उपयोग करते हैं। इन सभी माध्यम से कार्यकर्ताओं को भाजपा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। खूबचंद पारख ने प्रशिक्षण को लेकर कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हम हर कार्यकर्ता को जनसंघ से भाजपा बनने तक की विकास यात्रा की जानकारी दे रहे हैं, चुनाव तैयारी की भी जानकारी कार्यकर्ताओं को देते हैं, हम भाजपा व अन्य पार्टी के कार्यकाल की भी चर्चा करते हैं। कार्यक्रम में पूर्व मंडी अध्यक्ष जीवन दास रात्रे, मंडल अध्यक्ष संजय अग्रवाल, प्रशिक्षण प्रभारी श्यामलाल ताम्रकार, पूर्व अध्यक्ष टेकन देवांगन, पुष्पेंद्र देवांगन, राजानंद गांव के पार्षद रानू जैन व अनिल अग्रवाल आदि मौजूद रहे। गंडई से संवाददाता राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। सर बताइएगा, आज भाजपा का जो प्रशिक्षण चल रहा है, दूसरा दिन था और आप भी इसमें आए, तो प्रशिक्षण का क्या है उसके बारे में जानकारी देंगे? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पर आधारित पार्टी, हम अपने हर कार्यकर्ता को अपने जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी तक की जो विकास यात्रा है उसके बारे में जानकारी देते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को शुरुआत से आज तक की जानकारी नहीं है, वो सारी जानकारी देते हैं। चुनाव की दृष्टि से जो तैयारियां करनी होती है उसकी भी जानकारी देते हैं। हमारी सरकार और दूसरी सरकार के कार्यकाल में क्या अंतर था उसके बारे में कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हैं, और अपने कार्यकर्ता को संगठन की जिम्मेदारी से जुड़ करके हम आज तक के चुनाव कार्यकर्ताओं के ही दम पर जीते हैं। जब कार्यकर्ता थोड़ा सा उदासीन होता है तो परिणाम बदल जाता है, और जब कार्यकर्ता पूरा सक्रिय रहता है तो हम लोग रेत से भी तेल निकालने की क्षमता रखते हैं। इसलिए कोई भी पिछले टाइम, कोई पिछले दौर में भले सरकार या घोषणा पत्र कारण बना हो, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता की उदासीनता भी वजह हो सकती है। इसलिए हम कार्यकर्ता सक्रिय रहे, एक्टिव रहे, अपने जो संगठन का सिस्टम है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक शुद्ध राजनीतिक पार्टी है। जनसंघ जब स्थापित हुआ था तो हमारा जो स्थापना का पहला स्लोगन था कि हम राजनीति के माध्यम से सेवा करेंगे, राजनीति हमारे लिए साध्य नहीं होगी, और ये सीधा सीधा चाहे प्रदेश में रमन सिंह जी की सरकार हो और चाहे दिल्ली में अटल जी की सरकार थी और अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है, इस ये अलग से दिख रहा है कि इस सरकार में जो लोग हैं इनके लिए राजनीति साध्य नहीं है, मतलब सेवा का माध्यम है, खुद के लिए साध्य या साधन नहीं है। इस प्रकार की तैयारी करके आज पूरे प्रदेश में हमारा प्रशिक्षण चल रहा है, 10 सत्रों में प्रशिक्षण होता है, उद्घाटन और समापन, और आज गंडई मंडल का भी ये प्रशिक्षण पूरा हुआ है। पूरे 20 मंडलों में 20 तारीख तक ये सभी प्रशिक्षण पूरे हो जाएंगे। सर नाम और पद बता दीजिए। खूबचंद पारख, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और आपके इसी क्षेत्र का हूँ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.